नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। रिपोर्टर प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। कोविड 19 प्रोटोकॉल की खूब उड़ाई गई धज्जियां। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के मोतिहारी दौरे पर उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। स्वागत जुलूस में युवकों ने उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवारों ने नहीं लगाया था मास्क, ना ही रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल। जदयू के कई नेताओं ने भी किया मास्क लगाने से परहेज। मोतिहारी में रहकर भी अब तक नहीं गए हैं शहीद दरोगा से मिलने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। एक और जहां सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से लगातार कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं आज से चंद दिन पहले भी नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अपने ही दल के नेताओं पर तंज कसा था। लेकिन जब उन्हीं की सरकार के लोग, वो भी प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। देखा आपने बिहार जदयू के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह कुशवाहा को। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई साहब। श्रीमान जी कल से ही मोतिहारी जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं। कल जदयू द्वारा इनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। पार्टी नेताओं ने बड़े ही भव्य तरीके से इनका स्वागत समारोह उन्हें फूल मालाओं से लाद कर किया था। यह अलग बात है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह चल रहा था, उसी वक्त दिवंगत दारोगा का अंतिम संस्कार भी मोतिहारी के बरनावा घाट पर चल रहा था, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दिल्ली से आकर शामिल हुए थे। लेकिन सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा। वे अपने स्वागत समारोह में ही व्यस्त रहे। आज तो इनके कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि नीतीश कुमार भी शर्मसार हो जाए। विश्वास नहीं होता तो देखिए इन तस्वीरों को, कैसे इनके एक स्थानीय नेता के बुलावे पर श्रीमान जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय युवा कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हंगामा कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं, कैसे इनके कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे बिना मास्क के जदयू के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना राजनीतिक दल के लिए सिर्फ एक तमगा है जिसे सिर्फ आम जनता के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हमने दिवंगत दारोगा के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने का सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उनका स्वागत समारोह पूर्व से निर्धारित था तो वे उनके अंतिम संस्कार में कैसे जा सकते हैं। हाँ भाई, किसी नेता को किसी पुलिस अथवा आम जनता के अंतिम संस्कार में जाने का क्या मतलब, जब बात स्वागत समारोह की हो अथवा भोज भात की हो। चुनौती को अवसर के रूप में हम बदलने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो दौरा हुआ है, संगठन के हर समाज के तबके के लोगों को उसमें भागीदारी, युवाओं को भागीदारी दी जा रही है। धन्यवाद। एक सवाल मात्र विधान परिषद के मनोनीत सदस्य 12 सदस्य मनोनीत होने हैं, राज्यपाल मनोनीत करेंगे, क्या देरी क्यों हो रही है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या दोनों दलों भाजपा जदयू के बीच उसका सीट का बंटवारा समुचित हो चुका है या एनडीए के अन्य दलों की भी हिस्सेदारी उसमें होगी? आप सबसे पहले जान लीजिए कि एनडीए में कहीं लेकिन परंतु नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, समय आने पर भी बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, ये पेट्रोल की बात की कीमतों पर कुछ बोलेंगे कि लगातार पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है और भी जो औपचारिक तौर पर जो सब पेट्रोल की कीमतों पर कुछ बताएंगे? अन्य राज्यों में तो 1-2 रुपये घटा है, नीतीश सरकार
सरकार उस पर फैसला लिया जो भी सरकार की, हम तो अभी संगठन रखने के लिए आए हैं, संगठन की मजबूती करने के लिए। सर कल मोतिहारी में थे आप और कल एक शहीद का ये हुआ है, कल आप मोतिहारी में थे और मोतिहारी में एक दरोगा का ये अंतिम संस्कार हुआ है जो सीतामढ़ी में मारे गए थे अपराधियों के कारण, सर आप तस्कर हो तो वहाँ पर जाना उचित नहीं समझे? अभी तो पहले से कार्यक्रम लगा हुआ। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।